बुहलुल दाना और खलीफा हारून अलरशीद के दरमियान ताल्लुक इस्लामी तारीख की एक दिलफरेब कहानी है, जिसमें मजा, हिकमत और ताकत की हरकियात का इम्तिजाज है। बुहलुल दाना, जिसे बुहलुल या बुहलुल के नाम से भी जाना जाता है, हारून अलरशीद के दौरे हकूमत में एक मशहूर शख्सियत थी, जिसे अपनी तेज अकल और बजाहिर सनकी रवैये के लिए याद किया जाता था। ये रिश्ता एक मुनफरद ऐनक फराहम करता है, जिसके जरिए इस्लामी सुनहरी दौर में हिकमत, कियादत और इंसानी हालत की नौयत को समझा जा सकता है। बुहलुल दाना का असल नाम वहब बिन अमरो था और वो एक अमीर और बासर घराने से ताल्लुक रखते थे। ताहम उसने संजीदगी और सादगी की जिंदगी का इंतखाब किया, अक्सर इस तरह से बर्ताव किया जो उसके आसपास के लोगों को दीवाना लगता था, लेकिन गहरा मानी खेत था। बुहलुल की हिकमत उसके सन की रवैये में छपी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने वक्त के पेचीदा समाजी और सियासी मंजर नामे पर तशरीफ ले गए। हारून अलरशीद 763 ईस्वी में पैदा हुए, 786 ईस्वी में खिलाफत पर फाइज हुए। इसके दौर में अब्बासी खिलाफत की ताकत और सकाफती असर रसूख की इंतहा थी। हारून उल्मा शायरों और दानिशवरों की सरपरस्ती के लिए जाना जाता था, जिसने बगदाद में एक मुतहरिक सकाफती और फिक्री माहौल को फरोग दिया। पहली मुलाकात बुहलुल दाना और हारून अलरशीद के दरमियान पहला मुकाबला अफसानों में शामिल है, लेकिन कहा जाता है कि हारून इब्तिदा में बुहलुल की हिकमत और सन की शोहरत से मुदस्सिस था। हारून ने बुहलुल को अपने दरबार में मदु किया, ये जानने के लिए बेचैन था कि आया उसकी गैर रिवायती हिकमत की कहानियां सच हैं। बुहलुल की अदालत में पेशी और रवैया गैर रिवायती था। वो अक्सर चीथड़ों में मलबूस और पहेलियों में बात करता था, लेकिन इसके अल्फाज गहरे मनी रखते थे। बाहमी एहतराम और तफरीह हारून अलरशीद का बुहलुल दाना से रगबत वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। अपने बजाहिर पागल रवैये के बावजूद बुहलुल की बसीरत और मुशादात अक्सर तेज और पुरजोश थे। हारून ने बुहलुल की ताकत से सच बोलने की सलाहियत को इस तरह सराहा जो दूसरे नहीं कर सकते थे। इस मुतहरिक ने बाहमी एहतराम और तफरीह की खुसूसियत से एक रिश्ता पैदा किया। एक किस्सा उसकी खूब वजाहत करता है। हारून ने एक बार बुहलुल से कहा कि वो उसे इंसाफ से हुक्मरानी करने का मशवरा दे। बुहलुल ने जवाब दिया, ए हारून, याद रखूं कि एक दिन तुम अपने अमाल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होगे। इंसाफ और दानिशमंदी से हुकूमत करो। ये बराहे रास्त लेकिन पर्दापोशी का मशवरा हारून के साथ गूंजता था, जो बुहलुल के ईमानदार और निडर अंदाज को कदर की निगाह से देखता था। कोर्ट जेस्टर का किरदार हारून अलरशीद के दरबार में बुहलुल दाना का किरदार मुनफरत था, जबकि बहुत से दरबारी उसे मजहका खेज या अहमक के तौर पर देखते थे। हारून ने इसके अफाल और अलफाज की गहरी अहमियत को तस्लीम किया। बुहलुल ने मजा और दीवानगी को हिकमत की फराहमी के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया, अक्सर गहरी सच्चाइयों को इस अंदाज में पेश किया जो दिल लगी और रोशन दोनों था। एक कहानी में हारून ने बुहलुल की अकल को परखना चाहा और उसे एक चैलेंज पेश किया। बुहलुल, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी नहीं हूँ? बुहलुल ने जवाब दिया कि अगर तुम वाकई ताकतवर होते तो अल्लाह के फैसले से ना डरते। हकीकी ताकत सिर्फ उसी की है। हारून ने बुहलुल की बसीरत की गहराई को पहचानते हुए इस जवाब से आजिजी का इजहार किया। हारून अलरशीद और बुहलुल दाना का रिश्ता महज तफरीह का नहीं था, ये भी गहरा फलसफियाना था। हारून अक्सर बुहलुल को हुक्मरानी, इंसाफ और अखलाकियात के बारे में बातचीत में मशगूल रखता था। बुहलुल के निडर और साफ गो मशवरे ने जुनून की आड़ में हारून को खलीफा के तौर पर अपने अमाल और जिम्मेदारियों पर गौर करने की इजाजत दी। एक और कहानी में हारून ने बुहलुल से कहा कि वो उसे मशवरा दे कि हकी खुशी कैसे हासिल की जाए। बुहलुल ने जवाब में हारून को बगदाद की गलियों में ले जाकर आम लोगों की जिंदगियां दिखाई। उन्होंने निशानदेही की कि हकीकी खुशी दौलत यातात में नहीं बल्कि कना अत और साफ जमीर में है। ये सबका हारून के साथ गूंजता है, जिसने बुहलुल की पेचीदा सच्चाइयों को सादा मुतालिका इस्तिलाहात में कशीद करने की सलाहियत की तारीफ की। हारून अलरशीद अगरचे एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन बुहलुल दाना के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें की आदत और अखलाकियात के हवाले से एक मुनफरद नुक्ता नजर फराहम किया,
बुहलूल के गैर रिवायती मशवरे ने अक्सर हारून को अपने फैसलों के अखलाकी मुजम्मिरात पर गौर करने पर उकसाया। हारून को बुहलूल की दानिशमंदी का जो एहतराम था वो इससे जाहिर होता है कि उसने बुहलूल के दो टोको और गैर रिवायती मशवरे को जिस तरह बर्दाश्त किया और इसकी दर भी की। हारून की बुहलूल दाना के साथ मशगूल होने की रजामंदी उनके अपने फिक्री तजस्सुस और कुशादा दिली को नुमायां करती है। इस ताल्लुक को बरकरार रखते हुए हारून ने इस पहचान का मुजाहरा किया कि हिकमत गैर मुतवक्के जराए से हासिल हो सकती है और ये कि हकीकी कियादत के लिए आजीजी और मुतनव्वे नुक्ताए नजर को सुनने के लिए आमादगी की जरूरत होती है। मीरास और सकाफती असरात। बुहलूल दाना और हारून अलरशीद का रिश्ता इस्लामी अदब और लोक दास्तानों में अमर है। उनकी बातचीत कियादत में हिकमत और आजीजी की अहमियत की याद दहानी का काम करती है। बुहलूल की मजा और दीवानगी को गहरे सच्चाइयों को पेश करने के और के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत ने उन्हें इस्लामी रिवायत में एक महबूब शख्सियत बना दिया है, जबकि हारून की ऐसी मुनफरद शख्सियत के साथ मशगूलियत मूसिर कियादत की पेचीदा नौयत को उजागर करती है। बुहलूल की मीरास हारून अलरशीद के साथ उसके ताल्लुकात से आगे बढ़ी है। उसे गैर रिवायती हिकमत की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। कोई ऐसा शख्स जो सतही चीजों से परे देख सकता था और गहरी सच्चाइयों को समझ सकता था। इसकी कहानियां तमसीलों के तौर पर सुनाई जाती हैं, जो आजीजी इंसाफ और दुनियावी ताकत की आरिजी नौयत के बारे में सबक देती हैं। हारून अलरशीद 763 ईस्वी में जदीद दौर के तेहरान के करीब रे में पैदा हुए। वो तीसरे अब्बासी खलीफा अलमहदी का बेटा था और इसकी वालिदा एक यमनी लौंडी थी जिसका नाम अलखिजोरान था, जिसने अपनी इबतदाई जिंदगी और सियासी कैरियर में अहम किरदार अदा किया। हारून पढ़ा लिखा था, काबिले जिक्र स्कॉलरज के पास पढ़ता था और साइंस अदब और फनून में गहरी दिलचस्पी पैदा करता था। वो 786 ईस्वी में 23 साल की उम्र में अपने भाई उलहादी की वफात के बाद खलीफा बना। हारून अलरशीद के दौर को अक्सर अब्बासी खिलाफत की ताकत और सकाफती असर और रसूख का उरूज समझा जाता है। उनके दौर हकूमत में खिलाफत का दारुल हकूमत बगदाद इलम और सकाफत का मरकज बन गया, जिसने इस्लामी दुनिया और इससे बाहर के उल्मा शायरों और फनकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सकाफती और साइंसी कामयाबियां। हारून अलरशीद का दौर इस्लामी सुनहरी दौर का मुतरादिफ है। ये दौर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफत का निशान है। बगदाद में बीत अलहकमा यायवान हिकमत का कियाम इस दौर की अलामत है। हाउस ऑफ विजडम एक बड़ा इलमी मरकज था, जहां मुतनवे पसे मंजर के उल्मा ने यूनानी, फारसी और हिंदुस्तानी मतों का तर्जुमा किया और उसे महफूज किया। रियाजी, फलकियात, तिब और फलसफा में खातिर ख्वाह शराकत की। हारून अलरशीद की कियादत में बगदाद एक मुतहर्रिक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया, जिसकी खुसूसियत उसके मुतासिर कुन फन तामीर, हलचल मचाने वाली मंडियों और फिक्री इर्तियाश की वजह से है। खलीफा बजाते खुद फनून और उलूम का सरपरस्त था। अब्बू निवास जैसे शायरों और मूसीकारों जैसे इब्राहिम इल्मो सैली की हिमायत करता था। इसके दौर ए हकूमत की कहानियां, जो अक्सर 1001 रातें अरबी रातें में रुमानवी होती है, एक ऐसे हुक्मरान की तस्वीरक्षी करती है जो अक्लमंद और इंसाफ पसंद भी था। हालांकि ये वाकियात तारीखी हकीकत को अफसानों के साथ मिला देते हैं। फौजी मुहिम्मात और इंतजामिया। हारून अलरशीद एक काबिल फौजी रहनुमा और मुंतजिम भी थे। इसके दौरे हकूमत में शुमाली अफ्रीका से वस्ती एशिया तक फैले हुए वसीया इलाकों पर अब्बासी कंट्रोल को मजबूत करते हुए देखा गया। उसने मुतद्दिद फौजी मुहिम्मात चिल्लाए, जिनमें बाज नितीनी सल्तनत के खिलाफ भी शामिल थे, जो कुरून वुस्ता की दुनिया की दो अजीम ताकतों के दरमियान तवील अरसे से जारी जद व जहद का हिस्सा थी। अपनी फौजी कोशिशों के बावजूद हारून को शायद उनकी इंतजामी इस्लाहात के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने टैक्स वसूली को बेहतर बनाने और बदउनवानी को कम करने के इकदामात पर अमल दरामद किया, ज्यादा मुसिर और मुनसिफाना तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की कोशिश की। इसकी इंतजामिया में नस्बता इस्तेहकाम था, जिसने अब्बासी खिलाफत को इक्तिसादी और सकाफती तौर पर फलने फूलने दिया। इसकी मौत का रास्ता। अपने दौरे हुकूमत के बाद के सालों में हारून अलरशीद को बढ़ते हुए अंदरूनी चैलेंजों का सामना करना पड़ा।
खिलाफत के वसीय फैलाव ने मोस्तर तरीके से हुकूमत करना मुश्किल बना दिया, जिसके नतीजे में इलाकाई बगावतें और इख्तिलाफ हुआ। इन मसाइल को हल करने के लिए हारून ने अपने दो बेटों अलामीन और उल्मा मून के दरमियान अपना दायरा तकसीम किया, जिसमें अलामीन को इसका फौरी जानशीन और उल्मा मून को खुरासान का गवर्नर और मशरकी सूबों का वारिस मुकर्रर किया गया। इस तकसीम का मकसद जानशीनी को हासिल करना और सल्तनत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। बिलाखिर इकलाहिर खिलाफ के बीज बुए। 828 में हारून ने शुमाल मशरकी ईरान के एक सिख सूबे खुरहान में बगावत को कुचलने के लिए एक फौजी मुहिम का आगाज किया। उसने एक बड़ी फौज के साथ सफर किया और इसी मुहिम के दौरान वो बीमार हो गया। हारून अलशीद की सेहत तेजी से बिगड़ती गई और बिलाखिर वो मौजूदा मशहद ईरान के करीब वाके शहर तूस में अपनी बीमारी के 22 दम तोड़ गए। बाद और मीरास। हारून अलशीद की मौत ने अब्बासी खिलाफत के लिए एक हंगामा खेज दौर का आगाज किया। इसके इंतकाल ने इसके बेटों अलामीन और उल्मा मून के दरमियान जबरदस्त ताकत की लड़ाई शुरू की। अलामीन बगदाद में तख्त पर बैठा, लेकिन उल्मा मून के साथ उसके ताल्लुकात तेजी से खराब हो गए। सल्तनत की तकसीम, जिसकी हारून को उम्मीद थी कि इसके इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा, उसके बजाय खाना जंगी को जन्म दिया, जिसे चौथा फितना कहा जाता है। अलामीन और उल्मा मून के दरमियान तसादुम वहशियाना और तवील था, जो 811 से 813 ईस्वी तक जारी रहा। उल्मा मून खुरासान की मजबूत हिमायत के साथ बिलाखिर फतहयाब हुआ। अलामीन को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और उल्मा मून खलीफा बना। उसने 810 ईस्वी तक हुकूमत की। खाना जंगी ने अब्बासी खिलाफत को कमजोर कर दिया, उसकी मरकजी ताकत को कम कर दिया और इलाकाई गवर्नरों और फौजी कमांडरों की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ। उनकी मौत के बाद हंगामा आराई के बावजूद हारून अल रशीद की मीरास बरकरार रही। उनके दौर को इस्लामी तहजीब के सुनहरी दौर के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी खुसूसियत सकाफती रौनक और फिक्री कामयाबियां हैं। हाउस ऑफ विजडम सीखने का एक मीनार बनता रहा और इसके दौर में जो ताउन किया गया उसका दुनिया पर देरपा असर पड़ा। सकाफती असरात। 1001 रातें में हारून अल रशीद की रोमानवी तस्वीरकशी ने मकबूल सकाफत में उनकी शबेहा को मजबूत किया है। ये कहानियां अगरचे फर्जी हैं, लेकिन उनके दरबार की शानो शौकत और बगदाद की कायनाती फितरत की अक्कासी करती हैं। हारून को अक्सर एक अकलमंद और मेहरबान हुक्मरान के तौर पर दिखाया जाता है, जो अपनी रियाया की जिंदगियों को समझने के लिए अपने दारुल हकूमत की गलियों में पोशीदा सफर करता है। अजीम बरमकीद खानदान जैसी तारीखी शख्सियात के साथ उनकी बातचीत, जिन्होंने उनके वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दें, उनके दौरे हकूमत के इंतजामी और सकाफती कारनामों को मजीद उजागर करती है। सियासी साजिशों और हद से ज्यादा ताकत के इल्जामात की वजह से बर्मकाइज का जवाल उसकी कहानी में एक ड्रामाई अंसर का इजाफा करता है, जो उसके दौर में अदालती सियासत की पेचीदगियों की अक्कासी करता है। नतीजा, खलीफा हारून अल रशीद की वफात से इस्लामी तारीख के एक अहम दौर का खात्मा हो गया। सकाफती और साइंसी तरक्कियों से भरे उसके दौर ने आने वाली नस्लों के लिए एक आला आबी निशान कायम किया। ताहम उसकी मौत ने एक वसीया और मुतनवे सल्तनत पर हुक्मरानी के मौरूसी चैलेंजों को भी उजागर किया। उनके इंतकाल के बाद होने वाली खाना जंगी ने अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद इत्तिहाद को बरकरार रखने में मुश्किलात का इंकिशाफ किया। हारून अल रशीद की विरासत तारीखी रिकॉर्ड और मशहूर कहानियों दोनों में अमर है, मुतासिर कन और मुतवजा करती रहती है। इस्लामी दुनिया के सकाफती और फिक्री विरसे में उनकी शराकतें उनके वजन और कियादत का सबूत हैं। यहाँ तक कि उनकी मौत के सियासी असरात हमें ताकतवर तरीन सल्तनतों की कमजोरी की याद दिलाते हैं।